हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण लवार्ड। तो देखिए, आज हम ये एक और दो नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने वाइट कलर की बनाई है। ये देखिए, एक सिर्फ लेस की हेल्प से ये इस तरीके की ड्रेस बन करके रेडी हो जाएगी। और बना इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। इसके लिए देखिए, मैंने ये लेस ले ली है वाइट कलर की। इसमें भी वर्क हुआ हुआ है। ये देखिए इस तरीके की, ये मैंने 2 इंच चौड़ी ये लेस मैंने ये ली है। और जो इसकी लेंथ मैंने रखी है 14 इंच की इसकी लेंथ ली है। देखिए, अब ये जो ऊपर और नीचे की साइड इस पर लाइनिंग लगी हुई थी पाइपिंग, मैंने एक साइड से इसको निकाल दी है, एक साइड इसमें लगी रहने दी है। और एक साइड में ये देखिए इस तरीके की लेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए। इसको मैं ये देखिए स्टार्टिंग से यहाँ से लगाऊंगी, साइड कॉर्नर से, साइड से यहाँ से रखते हुए इसको तीनों साइड हम सिलाई की हेल्प से लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने तीनों साइड इस पर लेस लगा दिए। अब क्या करना है, इसमें हम सिर्फ देखिए इतने छोटी छोटी करके हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे। इस तरीके से छोटी छोटी हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से करते हुए इस पर हम प्लेट्स डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं। तो देखिए प्लेट्स भी मैंने इस पर डाल दी है। देखिए इस तरीके से इसका राउंड आ जाएगा शेप। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसमें चोली लगा दूँगी। चोली लगाने के लिए ये मैंने यहाँ पर इसी कलर की, इस तरीके की लेस यहाँ पर यूज़ करी है। देखिए ये 1 इंच से थोड़ी कम है इसकी चौड़ाई, और लेंथ जो मैं इसकी रखूँगी यहाँ पर लेंथ मैंने यहाँ पर ली है इसकी। लेंथ इसकी मैं 3 इंच रख रही हूँ। एक और दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 3 इंच की स्ट्रिप मैं इसमें से 2 कट कर लूँगी। 2 टुकड़े कट करने के बाद दो पीस कट कर लिए मैंने इसके लेस के। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके हम यहाँ पर सेंटर में इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो इसमें सेंटर में मैंने सिलाई लगा दी है, और थोड़ी थोड़ी सिलाई हम इसको इस तरीके से रख करके लगा देंगे। चलिए यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए मैंने एक सीधी सिलाई इस तरीके से यहाँ पर भी लगा दी है। चोली रेडी हो गई है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टार्टिंग से रखते हुए पूरे राउंड में इस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए चोली भी लगाकर इस पर मैंने अटैच कर दी है। ये ड्रेस बन करके हमारी कंप्लीट है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का बटन वगैरह, वेलक्रो वगैरह लगाकर इसको अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए। ये इस तरीके से ड्रेस बन करके हमारी रेडी है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।